जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश, ऑल इंडिया ट्रेवलर, आप सभी का स्वागत है मेरी भारत यात्रा में। और अभी मैं है देवभूमि उत्तराखंड घूम रहा हूँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यार अब तो ना हेमकुंड साहिब की यात्रा भी पूर्णतः खुल चुकी है। और मेरे पीछे देखिए आप, गोविंद घाट गुरुद्वारा, यहीं पर हमने रात्रि का विश्राम किया था, रुके थे, ठहरे थे। तो अब जा रहे हैं हम हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए। देख सकते हो ये ब्रिज है यार, इतना खूबसूरत। और इस पहाड़ को देखो, बिल्कुल सीधा पहाड़ है, नीचे से जा रही है एक नदी। ये देखो, इस नदी का नाम मुझे पता नहीं है। और इधर की तरफ आप ये देख रहे हो ना, इधर बद्रीनाथ है दोस्तों। तो पहले हम हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बद्रीनाथ। तो बने रहना इस ब्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ये 19 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है पैदल, तो ये पूरा ट्रैक हम पैदल ही करेंगे। अंकल जी पैदल चल चलोगे 19 किलोमीटर? बिल्कुल चलेंगे। अंकल जी बहुत फिट है यार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, है ना। बने रहना हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों हेमकुंड साहिब के रास्ते में देखो वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी भी आती है। तो यार बने रहना, फूलों की घाटी भी आपको दिखाएंगे, बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ की। और बस हमारे साथ चलते रहो फिर इन वादियों में। वाह यार सच में जो व्यू है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अभी हम गोविंद घाट से 5 किलोमीटर ऊपर पुन्ना आ गए हैं, और यहाँ तक लास्ट साधन वगैरह जाते हैं, ये देख सकते हो। और पीछे यहाँ पे ना पार्किंग है बस, इसके बाद में सभी को पैदल चलना होता है। और हम तो यार पैदल पैदल आए बिल्कुल। और यहाँ पर आने के बाद कुछ दुकानें वगैरह भी हमें देखने को मिलती है, देखो। और यहाँ से जो व्यू है ना, ये देखो कितना गजब व्यू है यार, बिल्कुल है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्मों में आ गया, फिल्मों में दिखाई देता है वो आपको, वाटरफॉल दिखाई दे रहा है वो, कितना खतरनाक लग रहा है। और अभी हमें जाना है वहाँ पर बिल्कुल चोटी पर। और अभी तो यहाँ से 9 किलोमीटर बता रहे गुरुद्वारा, जहाँ पर हम आज रात्रि का स्टे करेंगे, और उसके बाद सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे 8 किलोमीटर की। अंकल यहाँ पर देखो रेस्ट कर रहे। अंकल परेशान हो गए देखो आप? कोई परेशानी नहीं, चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, चलो आराम से बैठते पीओ है ना, चलेंगे ले जाएगा भोले बाबा, चलो कोई ना। तो अभी हमने फाइनली जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट कर दिया। अंकल जी कल तो वो देखो अंकल, झरना है बहुत ऊंचा। तो यार हमारा फाइनल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, जो कि मेन चढ़ाई वाला है। ये देखो ये आ रहे हैं यहाँ से, और हम जा रहे हैं यार अब यहाँ से। ये ट्रैक है ना केदारनाथ जैसा, ये वैसे होने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस यार ये देखो ये झरना, ये देखो झरना कितना ऊंचाई पे से गिर रहा है यार, कितना बेहतरीन नज़ारा। ये देखो ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे, बस चलते रहो। दोस्तों हेमकुंड साहिब की यात्रा का जो सबसे अच्छी बात ये है कि केदारनाथ में तो सीधी चढ़ाई थी, ऊपर चढ़ना ही होता है, और यहाँ पर ऊपर नीचे चलना पड़ता है। ये देखो अब ये ढलान आ गई, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वजह से ना यात्री ज़्यादा परेशान नहीं होते यार, ऊपर नीचे रास्ता है। और केदारनाथ में हुआ, अमरनाथ में हुआ, वैष्णो देवी के हुआ, इसमें तो क्या सीधा ऊपर ही चलना पड़ता है, नीचे जाने का कोई आइडिया नहीं है। और इसमें तो देखो हम नीचे जा रहे हैं अभी, तो इस वजह से थोड़ा आसान ही है केदारनाथ से, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ इतनी अच्छी प्रकृति हमारी, देखो कितनी अच्छी है, ये देखो। और देखो ये बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, घना जंगल। और हम बस ये देखो अब नीचे आ गया, ढलान आ गए, अब नीचे आराम से उतर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़्यादा कठिन तो नहीं है हेमकुंड साहिब का यार ये रास्ता, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये देखो बिल्कुल ढलान है नीचे, ये देखो अच्छा नजारा है यार दोस्तों। यहाँ से देखो नदी बह रही है हमारे साथ साथ, और मजा आ रहा है, काफी अच्छा रास्ता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे चढ़ाई भी है, थोड़ी ढलान भी है, तो ज्यादा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी चलते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों रास्ता ना बहुत अच्छा है यार हेमकुंड साहिब का, बहुत ही अच्छा रास्ता है, गर्मी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी और चढ़ाई थी बिल्कुल, और यहाँ पर तो देख सकते हो आप चढ़ाई भी है और ढलान भी है,
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें, आराम से जा रहे हैं। बाकी ये नज़ारे देखो कितने बदल में से वहाँ नदी बह रही है, और ये व्यू देखो यहाँ जंगल का, नेचर देखो नेचर कितना खूबसूरत रास्ता है। चलिए मेरे साथ आ जाओ। उत्तराखंड वाले और दोस्तों अभी हमारा आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है यार, और अभी बाकी का ना बिल्कुल खुला नज़ारा आ चुका है, जंगल निकल गया है। ये देखो नज़ारा देखो, ऐसा रास्ता है अभी, और ये नज़ारा देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना। इन पर्वतों को देखो कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत है बिल्कुल सीधे, और ये पीछे जंगल देखो। ये देखो अंकल जी, हाँ कैसा जी लग रहा है आपको इन पर्वतों को देख के? इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है, इतना नज़ारा तो कभी देखने को मिलेगा ना मिल सकता है, आएगा उसी को मिलेगा। हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में। हमारी प्रकृति कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये तो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलता है ना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा यार, एक बार अगर आप चार धाम की यात्रा कर रहे हो तो हेमकुंड साहिब भी जरूर आना यार, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे रास्तों से होके आते हो आप। और ये देखो यार कितना अच्छा लग रहा है यार, नज़ारा देखो बहुत ही खूबसूरत। ओ भाई ये देखो यार, ये हमारा रास्ता, और ये देखो नदी कितने ज़्यादा तेज बहाव के साथ आ रही है, और अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। ये पर्वतों को देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, बिल्कुल खड़े चट्टान की तरह। ये देखो इस नज़ारे को देख के तो यार फैन हो गया, तैयार हो गया, पीछे नदी देखो कितने बहाव के साथ आ रही है। जो नज़ारा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है यार, देखो ये जंगलों को देखो पीछे, देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ कभी देखे हैं आपने? तो मैंने देना यार इस ब्लॉग में, अभी हमारी यात्रा आधा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। और भाई अभी है ना मैं बिल्कुल इधर आ गया हूँ, बिल्कुल ट्रैक के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये देखो यहाँ पर सब फोटो शूट करवा रहे हैं अपनी, तो क्यों ना मैं भी आ गया इतने खूबसूरत जगह के पास। बिल्कुल यहाँ पर देखो, ये देखो नदी कितना तेज बहाव के साथ जाती है यार, अच्छा लग रहा है बहुत। अब पीछे का वो देखो, ये रहे भैया लोग अपने फोटो शूट करवा रहे, देखो इन्होंने घर भी बना लिया यार इतना बड़ा, और ये भी फोटो ले रहे हैं, और ये देखो नज़ारा यार मज़े आ गए, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओ देखो भाई हमें ना दोस्तों हमें इस रास्ते से होते हुए जाना है ऐसे, फिर ये पुल पे से फिर आगे की तरफ जाएंगे हम। दोस्तों हेमकुंड साहिब पे रास्ता यार इतना खूबसूरत आ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे देखो यार, और इधर देखो मेरे पीछे, और इसके जो सामने इधर देखो, इधर से देखो, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इस छोटे से पुल पर मैं चल रहा हूँ यार, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और दोस्तों प्रकृति के जितने करीब रहोगे ना आप, उतना ही खुश रहोगे, उतना ही सुकून रहेगा आपकी लाइफ में। तो बस प्रकृति के साथ रहो, और अच्छी अच्छी जगह पर घूमो यार नेचर के अंदर, इससे अच्छा नेचर तो कहाँ मिलेगा आपको। तो गाइस अभी है ना इतनी अच्छी धूप भी निकल रही है, यहाँ पर देखो ये नेचुरल स्विमिंग पूल बना हुआ है छोटा सा, अभी हम इसमें प्लान बनाने वाले हैं कि नहाने का, तो देखते हैं। इसमें पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन नहाने में थोड़ा मजा भी आ जाएगा, अब थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, जो थकान है ना आने वाला है। पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन इसमें ना ग्यारह भाई उधर, तभी तो मैं सोच रहा था। वो गाइस नहाने वाला है, और काफी ठंडा पानी है, मन नहीं हो रहा, मत लगा तू, लगा तू। नहीं 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 नहीं, ओ रुक जा। तो काफी ज्यादा एक्टिविटी ओ भाई, ओ भाई ठंडा कितना है, डोंट कंट्रोल भाई। तो भाई पानी है ना इतना ठंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मुझे इसमें नहाना है। देखो
बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों नहा लिया हूँ मैं, लेकिन यार पानी इतना ठंडा था कि बिल्कुल जम गया। ये पानी आ रहा है ना, ये ग्लेशियर का पिघल के आ रहा है ऊपर से यार, तो ठंडा तो होना ही है, लेकिन मजा आ गया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग गई थी यार चढ़ाई करते करते, क्योंकि ट्रैक करते तो पसीने भी आते हैं ना, लेकिन नहाने के बाद इतना सुकून मिल रहा है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है यार, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन अब धूप में खड़े होने में मजा आ रहा है बिल्कुल अलग ही। अब कपड़े पहनते हैं, अब आगे का ट्रैक हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों नहाने के बाद है ना पूरी थकान दूर हो जाती है यार, और ट्रैकिंग करने में भी बहुत आसानी रहती है ना भाई। अंकल जी सही हो जाता है ना मन, नहाने के बाद फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो गया माइंड, अब है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चल जाएंगे हम। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर और है गुरुद्वारा, वहाँ पर आज रात का स्टे करेंगे हम, तो चलते हैं यार देखते हैं। बाकी मज़ा आ गया नहाने में, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन चलिए ये रास्ता है इधर से बहुत आगे आना है, इधर अपना प्रदीप भाई। सो गाइस अभी है ना 3 किलोमीटर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है यार, बहुत खतरनाक वाली, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। जो गुरुद्वारा है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है यार, चलते हैं यार 2 किलोमीटर और सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। अभी हालत ख़राब हो गई, नहाने से माइंड फ्रेश हुआ था लेकिन सिर दर्द करने लग गया, इतना ठंडा पानी था सिर दर्द कर रहा है यार। भाई गुरुद्वारे से पहले 4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ना वो बहुत खतरनाक है यार, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है आप देख सकते हो, हालत ख़राब हो गई। और जब नहाए थे ना हम तो इतना माइंड फ्रेश था, लेकिन अब सर दर्द करने लग गया है क्योंकि ठंडा पानी था शायद इस वजह से। ग्लेशियर ये देखो पीछे झरने वगैरह है, नज़ारे देखो कितने खूबसूरत है। थोड़ा दुखते दुखते चलो बस, आप कभी भी कोई ट्रैक करते हो ना तो आराम आराम से चलो धीरे धीरे, और धीरे धीरे पानी पीते चलो थोड़ा थोड़ा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलते हैं अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आधा किलोमीटर और बता दें गुरुद्वारा पहुँचते हैं, फिर गुरुद्वारा दिखाते हैं आपको वहाँ का लंगर। एनर्जी नहीं बची दोस्तों, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई है यार। ये देखो इधर दिखा दो, ये देखो ऐसा रास्ता है, चढ़ाई चढ़ाई है बस। हाँ दोस्तों यार अच्छा लगे, ये देखो यार ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी जगह है। ये देखो पेड़ के नीचे से ना पानी आ रहा है, ये देखो पेड़ के नीचे से पानी आ रहा है, ये कहीं पे और जगह देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आपको उत्तराखंड की वादियों में ये देखने को मिलेगा। ये देखो यार पहाड़ों में इससे बोलते हैं देश भूमि का, ये देखो इधर देखो कुछ नहीं है। अरे तो ये देखो रास्ते, अब इसके बीच में से देखो ये पानी आ रहा है, ये देखो इधर से आ रहा है पानी इधर से, ये देखो पानी। दोस्तों उत्तराखंड में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है उत्तराखंड का यार, ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप लाइफ में पहली बार देखोगे। और ये देखो पेड़ के नीचे से पानी आ रहा है, कितनी कमाल की चीज़ है ना, बहुत अच्छी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बल्कि ये देखो घोड़े खच्चर भी आ रहे हैं, ये हमारे अंकल जी आ गए थोड़ा आराम करके आराम से। दोस्तों फाइनली हम हेलीपैड पहुंच चुके हैं, कोजिला हेलीपैड, और यहाँ से 500 मीटर गुरुद्वारा जहाँ पर हम आज रात्रि का विश्राम करेंगे। और अभी देखो बेस कैंप भी आ गया है, ये देखो बेस कैंप, और यहाँ पे है ना ये रहा हेलीपैड और यहाँ पर लोग देखो आराम कर रहे हैं आराम से। ये देखो यार नज़ारे देखो, ये देखो बिल्कुल मैदान है ऊपर की तरफ, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैदानी इलाका देख, देख पीछे देख यार ग्लेशियर भी दिखाई देगी आप तो, यहीं पर है हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा। तो कुछ ये ट्रैक और है अभी चलते हैं, फिर उसके बाद आगे का दिखाते हैं आपको सीन, बस ब्लॉग में बने रहना आप यूं ही, और लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना अच्छा सा कोई सपोर्ट, कमेंट जरूर करना यार जिससे आपकी भावनाएं हमारे तक शेयर कर दिया करो यार दोस्तों को।